मैं आज चिल्ली चिकन बना रही हूँ। चिल्ली चिकन आधा केजी चिकन ली हूँ, उसमें मैं कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ 3 स्पून, मैदा डाल रही हूँ 2 स्पून, हल्दी, मिर्ची, नमक, अदरक, लहसुन, सूखा मिर्ची, हरी मिर्ची का पेस्ट बनाई हूँ 1.5 स्पून, प्याज पेस्ट बनाई हूँ, काली मिर्ची का पाउडर थोड़ा सा डाल रही हूँ और एक अंडा डाल रही हूँ। ये सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फिर मैं कश्मीरी मिर्ची पाउडर थोड़ा सा डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके कहाँ पे 9 बार हम रख देंगे। कढ़ाई गर्म हो गया है, अभी हम इसमें तेल डालेंगे। तेल गर्म हो गया है, अभी एक एक करके इसमें हम चिकन डालेंगे। इसको हम थोड़ा सा लो फ्लेम में 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। अभी हम दोनों तरफ रेड हो गया है, फ्राई हो गए। सबको निकाल के अभी एक दूसरे कढ़ाई में बैठाई, तो इसमें 3 स्पून तेल डाल रही हूँ। प्याज डाल रही हूँ, एक तेजपत्ता डाल रही हूँ, मैं 2 प्याज काटी हूँ, अभी अदरक लहसुन और सूखा मिर्ची का पेस्ट डालूंगी। इसको भी 5 मिनट फ्राई करना है। प्याज 2 मिनट फ्राई होने के बाद इसमें कैप्सिकम डाल दी, टमाटर डाल दी और हरी मिर्च, थोड़ा सा पानी डाल दी 2-3 स्पून, अभी गरम मसाला डाल दी, नमक थोड़ा सा डाल दूं, ऑलरेडी इसमें है, देख के बनू, लाल मिर्च, हल्दी, अभी मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँ 2-3 स्पून, थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह से मिला दीजिए ताकि मसाला सबको पकड़ ले। मैं इसमें थोड़ा सा रेड चिल्ली सॉस डाल रही हूँ, सोया सॉस थोड़ा सा, टमाटर सॉस 1 स्पून, अभी मैं आधा ग्लास पानी डाल दूँ।
इसको हम 5-7 मिनट के लिए तैयार हो गया हमारा चिल्ली चिकन। अभी मैं स्टोव ऑफ कर रही हूँ, अब सर्विंग वाल में भी डालेंगे।